लौकी को काट लिया, धो रहे हैं। बड़े वाले बाबू भी जग के आ गए। ला मैं बजाता हूँ पापा, ला ला बाबू। अच्छा जाओ दोस्तों, ये लौकी तैयार हो गई बनके, सब्जी लौकी की, और ये रोटी और चावल बनाएगा। ये देखो मोटी मोटी रोटी बनाई है, पतली भी बनी है और मोटी भी बनी। ये देखो पापा मम्मी के लिए हाथ 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 से बनाई ना। अच्छा पानी लगा के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है हमारे न्यू वीडियो के साथ। आज हम छत पे खाना बनाएंगे। चूल्हा वगैरह रख लिया है, देख सकते हो। ये देखो चूल्हा रखा हुआ है, ये लकड़ी पड़ी है, ये पानी लाए अभी, और सारा कुछ लाना बाकी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज संगीता छत पे दोस्तों बना रही खाना, क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा रहता है और आंख में धुआं लगता है। ये लकड़ी है ना, ये वाली लकड़ी है, तो इसकी धुआं आंख में बहुत तेज लगता है, इसलिए छत पे बनाने लगी है, ताकि आंख में वैसे ही चश्मा लग चुका है और भी ख़राब हो जाएगी, सर भी दर्द होने लगता है डेली डेली। इसलिए हम सोचते कि आज छत पे बनाओ, अगर जो कुछ आराम मिलेगा शरीर को तो डेली यहीं बनाना छत पे। तो दिखाते हैं सब्जी किस चीज़ की बना रही हैं। ये दोस्तों लौकी छील रही हैं, लौकी की सब्जी आज बनाएंगी, और चाय भी पकाने के लिए रख दिया, और आटा सटा सब आ चुका। अभी सारा सामान दोस्तों नहीं आया है यहाँ, एक दो दिन में सारा आ जाएगा यहीं पे, और दिखाएंगे। वैसे तो पहले बनाती थी एक साल पहले, और जब से यहाँ बंदर आ गए तब से खाना बनाना बंद कर दिया था, लेकिन अभी इस टाइम बंदर है नहीं। अभी हैं तो एक आध हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ रहेंगे। देखते हैं दो तीन दिन बना के, उसके बाद में फिर अगर जो नहीं बंदर आएंगे तो डेली बनेगा, नहीं तो फिर नीचे चली जाएंगी वापस। और क्या, तो दिखाएंगे आपको आज लौकी की सब्जी कैसे बनाती हैं संगीता। अभी तो काट रही हैं, पहले छील लिया है फिर काटे रही हैं। अभी सारा कुछ दिखाएंगे कैसे हमारे यहाँ लौकी की सब्जी बनती है। ये छोटे छोटे टुकड़े कर रही हैं, लौकी को काट लिया, धो रहे हैं। दोस्तों लहसुन लहसुन छील लिया है, और मसाला भी भिगो लिया है पानी में, और अभी चाय छान रही हूँ, दिखाते हैं आप लोगों को। अभी जगह में चाय छान नहीं है, और ये लहसुन है और वो मसाला, दोस्तों इसको पिसा हुआ मसाला है, एक में पानी में मिला लिया, एक में मिला के, और ये चाय छान नहीं है। अभी दिखाएंगे अभी कैसे सब्जी हमारा छौंकी जाती है दोस्तों। और इधर आटा रखा, उधर पानी रखा है, सारा सामान आज ऊपर लेके आई हैं, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों चाय भी इस बोतल में रख दें, ये जग में है भी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ये बोतल में रख देते हैं दोस्तों, ताकि ठंडी ना हो। ये रख दिया दोस्तों बोतल में, और बंद कर देंगे ताकि ठंडी ना हो। अभी सब सारे लोग पियेंगे, और ठंडी हो जाएगी तो ख़राब बेकार लगेगी। अभी ये भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया, और तेल डाल रही है संगीता। हो गया भगोना गरम, हो गया भगोना दोस्तों। और ये संगीता अभी छौंकने जा रही है, वो लहसुन डालेंगी। अभी तेल गरम होने दो, तेल गरम हो गया दोस्तों, अभी लहसुन डालेंगे। कहीं गया, कहीं कहीं प्याज भी डाल देती, जीरा भी डाल देती, लेकिन हमारे यहाँ लहसुन, सिर्फ लहसुन डाला जाता है दोस्तों। अलग अलग सब्जी अलग अलग प्रकार की बनती है दोस्तों। पक गया लहसुन, पक तो गया, मसाला। अभी मसाला डालने जा रही है दोस्तों, ये मसाला पकने तक वेट करते हैं दो मिनट, उसके बाद में सब्जी डालेंगे। अभी सब्जी डालने जा रही दोस्तों, मसाला अच्छे से पक गया और ये सब्जी डाल दिया। ये सब्जी का कलर इस तरह हो गया दोस्तों,
मसाला था, हल्दी थी, प्याज, इसमें नमक, हल्दी थी, धनिया थी, हल्दी, धनिया और नमक, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च, इतना मैंने मिला दिया था। अब ऐसा ढक दोगे, पानी नहीं डालोगे, थोड़ा वेट करके पानी डालेंगे दोस्तों। अभी इतने पानी डालेंगी, डालो, इतना पानी दोस्तों डाल दिया और हल्की हल्की गीली रखेंगे। अभी लौकी में पानी छोड़ता है पकने के बाद में, तो और थोड़ा गीली हो जाएगी, ये रसेदार बन जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसको देखो, छोटे वाले बाबू कैसे भोंपा बजा रहा है। क्या बजा रहे बाबू? भोंपा है। ये बड़े वाले बाबू भी आ गए बजाने के लिए। ये बड़े वाले बाबू भी जग के आ गए। ला मैं बजाता हूँ भोंपा। ला ला बाबू, ऐसा जाओ। बजा बजा बजा। अच्छा है, क्या है दोस्तों? ये आटा अभी गूंध रही है और अभी सिर्फ पानी उसमें सिर्फ मतलब गीला गीला मिलाया है, अभी गूंधा ही नहीं किया है। और अभी रख देंगी और ये 10-15 मिनट के लिए रखोगी ना? 10-15 मिनट के लिए बस ऐसे ही रख देंगी, फूल जाएगा, उसके बाद में आटा थोड़ा गूंदेंगे तो थोड़ा गूंदने में आराम रहता है। और वैसे तुरंत गूंदो तो थोड़ी टाइट रहती है रोटी और टाइम भी लगता है, पानी भी ज़्यादा लगता है। ऐसे मिला के बस रख दिया है, अभी रख देंगी 10 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद में फिर इसको गूंदेंगी तो आराम से गूंद जाता है और इसकी रोटी भी अच्छी फूलती है। दोस्तों ये आटा गूंद दिया, ये इस तरह है कि देखो कितना मुलायम मुलायम। अब ऐसा तुरंत गूंदो तो इस तरह नहीं होता है। ये क्या लगा? आटा ही। अच्छा आटा ही। ऐसे करें। अभी सब्जी कितनी बाकी पड़ी पकने को? बस सब्जी पकने वाली है दोस्तों, थोड़ी सी बाकी है। दोस्तों ये सब्जी लौकी की और ये रोटी और चावल बनाएगा। ये देखो मोटी मोटी रोटी बनाई है, पतली भी बनी है और मोटी भी बनी। ये देखो पापा मम्मी के लिए हाथ 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 से बनाई ना? हाँ, अच्छा पानी लगा के। और ये रोटी दोस्तों हमारी गाय के लिए रख देते हैं पहले, और उसमें से जब लास्ट की बचती है तब कुत्ता वगैरह हो तो उनको दे देते हैं। और अभी जब खाएंगे हम लोग तब स्वाद बताएंगे आप इसका किस तरह है, क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद बनी है लौकी। कितने एक साल के बाद, पूरे एक साल के बाद में लौकी की सब्जी बनाई है संगीता ने, तो बता रही थी हो सकता गड़बड़ हो जाए, तो उसका पहले स्वाद देख लेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। अभी तो इनवाइट नहीं है। और इमली भी डाली है। ये इमली डाली है, पापा बाजार से लाए थे इमली डाली, और खट्टी मीठी बनी है लौकी की सब्जी। तो बने रहें वीडियो में, जब खाएंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को। अभी तो वैसे बर्तन धुलने जा रही हैं, थोड़े पड़े थोड़े ऊपर रखे हैं, वो भी आ रहे हैं सारे दोस्तों। अभी वही लौकी की सब्जी खाने जा रहे हैं। ये है लौकी की सब्जी है और खिचड़ी और रोटी, ये रखी, ये रोटी रखी है, ये संगीता भी खा रही। अभी खाते हैं फिर आप लोग बताते हैं आप लोगों को कैसा स्वाद है। इसमें नीचे को लगाने वाला तो लाओ, माचिस लगा लेते हैं। ये दोस्तों माचिस लगा लिया ताकि इधर सब्जी एक में हो जाती। बढ़िया बनी है लौकी दोस्तों, और संगीता किसी से बात करने लगी। खाना खा तो खा लेते हैं दोस्तों। खाना पीना खा के सो गए थे और अभी सो के जगह है, 3 बजने वाला है दोस्तों। और संगीता अपना ब्लाउज काट रही थी, ये भी सो गई थी। एक बनाया, हम नहीं सोए गाइस। एक बना दिया, कोई बात नहीं। कहाँ सोए दिखाओ, थोड़ी देर सो नहीं रही थी उधर? नहीं सो रहे थे ना?
देखो ये ब्लाउज बना दिया दोस्तों। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए राम राम।